झाड़ियों में छिपे 9 फीट लंबे अजगर का किया गया रेस्क्यू। अजगर को सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ा गया। नर्मदापुरम शहर के नजदीकी ग्राम हेरैया पीपर में 9 फीट लंबे अजगर का रेस्क्यू किया गया। यह अजगर गांव की झाड़ियों में छिपा हुआ था। रेस्क्यू टीम ने काफी मशक्कत के बाद इस 9 फीट लंबे अजगर को पकड़ने में सफलता हासिल की। अजगर को वन परिक्षेत्र में सुरक्षित स्थान पर छोड़ा गया। सतना जेल रोड में बनी गुणवत्ता विहीन सीसी रोड के साल भर में उड़ गए परखच्चे। अब गारंटी पीरियड में सीसी रोड पर किए जाने लगा डामर। जेल रोड में क्रशर डस्ट मिला कंक्रीट सड़क बनाते समय ही गुणवत्ता पर लोगों ने खड़े किए थे सवाल, लेकिन अधिकारियों ने शुभ लाभ के चक्कर में तब आंखों में बांधी थी पट्टी। अब ठेकेदारों से घटिया सीसी उखड़वा कर दोबारा बनवाने की बजाय सीसी सड़क में किए जाने लगा डामर। सतना शहर में सुगम यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए दूसरे दिन रीवा रोड में नगर निगम अतिक्रमण दस्ता और ट्रैफिक पुलिस की कार्यवाही जारी। कलेक्टर कार्यालय सतना में प्रभारी कलेक्टर डॉक्टर परीक्षित झाड़े ने अधिकारी कर्मचारियों को दिलाई सुशासन की शपथ। दिल्ली में गुरुवार शाम को रेसलर बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस दौरान साक्षी मलिक भावुक हो गई और कुश्ती त्यागने का ऐलान कर दिया। उन्होंने अपने जूते उतारकर टेबल पर रख दिए और उठकर वहां से चली गई। सरभंगा के समीप सड़क पर फिर दिखे दो टाइगर, आपस में कर रहे थे फाइट। एम्बुलेंस चालक ने बनाया वीडियो, कहा गाड़ी पर भी किए अटैक। जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अपर कलेक्टर ऋषि पवार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। ग्वालियर के जय रोग चिकित्सालय समूह के अस्पताल प्रबंधक डॉक्टर अनिल मेवा फरोज के अजाक संगठन में संभागीय अध्यक्ष मनोनीत होने पर वरिष्ठ जनों एवं जय रोग के अधिष्ठा डीन डॉक्टर अक्षय निगम और अधीक्षक डॉक्टर आरकेएस धाकड़ व सभी अधिकारी कर्मचारियों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया।